नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी एक कॉल आया हमें सारस नगर से। अहमदनगर जिला में सारस नगर एरिया है और मिखाइल आनंद केदारे, इनका एक कॉल आया वहां से। उनके घर के आंगन में कहीं कंपाउंड के अंदर एक सांप दिखाई दिया और उन्होंने तुरंत कॉल किया और हम वहां पर निकले हैं। दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, वहां पर जाकर देखेंगे कौन सा सांप है और उसको पकड़ करके हम उसको रिलीज करेंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। ग्रासनेक दोस्तों, ये ग्रासनेक है जिसे हम हिंदी में हरा सांप कहते हैं, मराठी में गौत्या सांप, इंग्लिश में ग्रीन किलबैक स्नेक, और ये हरियाली में रहने के कारण इसे ग्रासनेक भी कहा जाता है। और ये बिल्कुल पूरा नॉन वेनमस है, इसमें कोई जहर नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से पूरा हरा है। तो दोस्तों सांप एक पर्यावरण का हिस्सा, एक नेचर का हिस्सा है, इसलिए इसे हमने इसको मारना नहीं है। आपके घर के आसपास ऐसे सांप दिखाई देते हैं तो आपने सीधे वन विभाग से कांटेक्ट करना या फिर हमारे जैसे जो रेस्क्यूअर हैं उनको कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो इसका नाम फिर एक बार बता रहा हूँ, इंग्लिश में ग्रीन किलबैक स्नेक, हिंदी में हरा सांप, मराठी में गौत्या सांप, और ज़्यादातर हरियाली में रहने के कारण इसे ग्रास स्नेक भी कहा जाता है। पहचान बहुत ही आसान है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ऊपर पूरा वो हरा दिखाई देता है और बीच बीच में व्हाइट हल्के से लाइनिंग देती है, वो भी धुंधले धुंधले। और जब ये छोटा होता है तो बहुत ही आकर्षक दिखता है और यहाँ पर गर्दन पर ऐसा भी काला भी दिखाई देता है और उसके ऊपर व्हाइट भी दिखाई देता है, हल्का सा ऊपर ऊपर काला, हल्का सा सफ़ेद दिखाई देता है जब ये छोटा होता है, जिस तरह हम अभी स्क्रीन पर आपको फोटो दिखाई दे रहे हैं। जब वो छोटा होता है तो इस तरह दिखाई देता है और बड़ा होने के बाद ये पूरा जो उसके ऊपर लाइट जो भी है यहाँ पर ब्लैक वाला और येलो वाला और ऊपर उसके जो व्हाइट आपको दिखाई दे रही है स्पॉट और येलो जैसे स्पॉट दिखाई देते हैं ब्लैक जैसे, वो जब ये बड़ा हो जाता है तो धुंधले हो जाते हैं और वो मिट जाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसने कुछ खाया था, अभी ये उगाल रहा है, मेरे हिसाब से शायद इसने मेंढक ही खाया होगा, तो यहाँ पर ये उगाल रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि इसने ये मेंढक जो है उगाल लिया। जब हम कोई रेस्क्यूअर जो सांप पकड़ते हैं उसने कुछ खाया होता है तो पकड़ने के बाद वो तुरंत उगाल देते हैं ताकि वो फुर्तीले हो जाए। खाने के बाद कैसे सांप धीमा हो जाता है
जिसके कारण जो भी उन्होंने खाया है वो उगाल देते हैं। तो दोस्तों अभी इसको हम बैग में डालते हैं और इसको एक अच्छी जगह पर हम रिलीज करेंगे जहाँ पर हरियाली हो। कुछ देर पहले एक स्नेक हमने रेस्क्यू किया था, ग्रीन किलबैक स्नेक, जिसे हम हरा सांप नाम से जानते हैं, बिना जहर वाला सांप। दोस्तों इसको यहाँ पर हम पर्यावरण में रिलीज करने के लिए आए हैं। इसको रिलीज करते हुए एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि दोस्तों आने वाले इसी तरह रेस्क्यू वीडियोज और सांपों के बारे में सही जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो पर्यावरण में चला जा रहा है और काफ़ी डरा हुआ है, जिसके कारण वो जिस तरह कोबरा अपना फन उठाता है उसी तरह सामने वाले को डराने के लिए इस तरह कर रहा है वो। तो आपने देखा कि इसको हमने यहाँ पर रिलीज़ किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।